कई बार हम लोग छत पे रेलिंग के साथ जब फोटोज क्लिक करवाते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि रेलिंग के साथ साथ हम लोग की बॉडी सिर्फ रहे और पूरी बैकग्राउंड इरेज हो जाए। लेकिन जब हम लोग रेलिंग को जो बैकग्राउंड में इरेज करते हैं तो रेलिंग जो है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जो पाइप है हम लोग का टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो फोटो में रियलिटी नहीं आ पाती है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे जो हम लोग का पीछे का पार्ट है, यानी कि इस फोटो में आप लोग देख सकते हो पीछे का जो पार्ट है ये रेलिंग बहुत ही ज़्यादा रियलिटी लग रही है। इसको मैंने स्ट्रेट तरीके से एकदम मतलब परफेक्ट सिलेक्शन कैसे किया वो ट्रिक आप लोग को बताऊंगा, और शायद ये आप लोग ट्रिक नहीं जानते होंगे। तो ट्रिक बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, इससे आप लोग परफेक्ट सिलेक्शन कर सकते हो कोई भी पतले रेलिंग वगैरह का। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस हम लोगों का होगा फोटो को शेयर करना है हमारे प्यारे दुलारे ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में। ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में हमारी फोटो आ चुकी है, तो हम लोग जैसे हमेशा करते हैं कि बैकग्राउंड इरेज के लिए हम लोग थर्ड वाले ऑप्शन में जाके हार्ड इरेजर को सेलेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ आप लोगों को नहीं करना है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे जाना है, एंड ड्रॉ स्टाइल आप लोगों को यहाँ पर आइकन दिख रहा हो इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आप लोगों को थर्ड वाले आइकन पे जाना है, हार्ड इरेज पर सेलेक्ट कर देना है। सेटिंग पे जाके इसकी साइज़ को थोड़ा सा कम कर देना या थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो अपने हिसाब से, आप अपनी फ़ोटोज़ के हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद देन फोटो को जूम करना है। मेनली मैं बता रहा हूँ कि पाइप को आप लोगों को अच्छी तरीके से इरेज कैसे करना है, यानी उसको कैसे सेलेक्ट करना है। तो सिंपली यहाँ पर ड्रॉ एक खींच दोगे और यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छी परफेक्ट सिलेक्शन हुई है। जैसे ये पतला, इतना ज़्यादा पतला पाइप है, और इसको मैं ऐसे सिर्फ एक लाइन खींच दूँगा यहाँ पे, और देख सकते हो इतनी परफेक्ट हुई है। थोड़ा सा आप लोग ब्रश का साइज़ घटा दोगे तो थोड़ी ज़्यादा अच्छी होगी। जैसे मैं यहाँ पे ब्रश का साइज़ अभी घटा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ को जूम करेंगे, देन एक सॉरी यहाँ पे देख सकते हो ऐसे आप लोगों को जस्ट ड्रॉ कर देना, एंड देख सकते हो बहुत ही अच्छी परफेक्ट सिलेक्शन हुई है। और यही अगर आप लोग यहाँ पे ड्रॉ स्टाइल को कट कर देते हो, एंड देन इसी चीज़ को आप लोग अगर ऐसे इरेज करोगे तो इससे क्या होगा कि आपकी पाइप जो है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। और ये जो मैंने ट्रिक बताया शायद ही आप लोग नहीं जानते होंगे, और बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इससे अगर आप लोग करोगे तो आपकी बहुत परफेक्ट सिलेक्शन होगी बैकग्राउंड के साथ जो आप लोग की पाइप है, एंड फोटो बहुत ही ज़्यादा रियल लगेगी। तो इसको मैं बैक कर देता हूँ और आप लोगों को उसी ट्रिक से स्पीड में पूरी वीडियोज़ को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो हम लोग पूरी सिलेक्शन कर चुके हैं, एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छी परफेक्ट सिलेक्शन हुई है। यही चीज़ अगर हम लोग ड्रॉ टूल से ऐसे ऐसे कर दें तो हम लोग की पाइप पूरी नकली सी लगती एंड अच्छी फ़ोटोज़ नहीं लगती। इससे क्या है कि फ़ोटो में पूरी रियलिटी आएगी, देख सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे थर्ड लेयर वाले ऑप्शन पे जाके बैकग्राउंड को ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम लोग का प्रोसेस होगा बैकग्राउंड को इंपोर्ट करना। तो सिंपली सेकेंड वाले ऑप्शन पे जाके इंपोर्ट इमेज पे जाके उस बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर देना आप लोग को, जो बैकग्राउंड आप लोग इस फोटो के लिए सेलेक्ट किए हो। हमारी बैकग्राउंड आ चुकी है, यहाँ पे आप लोग को राइट क्लिक कर देना। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे जाके अपनी फ़ोटो को ऊपर कर लेना है, देन आप लोग को बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेकंड वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का इसको आप लोग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो देख सकते हो यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। उसके बाद आप लोग को राइट क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैंने हेयर के साइड में थोड़ा सा पार्ट छोड़ दिया था ताकि हेयर हम लोग का रियल लगे। तो यहाँ पे आप लोगों को थर्ड वाले आइकन पे जाना है, हार्ड इरेजर को सेलेक्ट कर देना, इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल जीरो मतलब वन कर देना। यहाँ से आप लोग एक पॉइंट देखेगा, इससे ब्रश की साइज़ थोड़ी सी बढ़ा के उसके बाद यहाँ पे हल्की हल्की आप लोगों को ब्रश चलानी है, जिससे क्या होगा कि हम लोग के हेयर जो है पूरी रियल लगेगी। सो हमारी फोटो डन हो चुकी है, अब इसको कलर करेक्शन करने के लिए हम लोग सीधे चलते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन में। Lightroom एप्लीकेशन में हमारी फ़ोटो इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम लोग जो प्रीसेट आप बहुत दिन पहले बनाया था, शायद जो Instagram पे बहुत सारे लोगों को मैंने सेंड भी किया था, स्टोरी में लगाया था इस प्रीसेट का लिंक, तो बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड कर लिया था। तो सिंपली आप लोग Instagram पे मुझे DM करना है, इसका मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा। तो सिंपली यहाँ पर आप लोग को कॉपी करना है, कॉपी इसकी सेटिंग करने के बाद इस फोटो पर आप लोग को इंपोर्ट पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद देख सकते हो पूरी सिलेक्शन हो चुकी है। उसके बाद आप मैनुअली भी कर सकते हो अपनी फ़ोटोज़ के हिसाब से। तो थोड़ा सा इसका मैं शेडोज़ बढ़ा देता हूँ, शेडो मुझको कम लग रहा है इस फोटो के हिसाब से, हाईलाइट थोड़ा कम, टेम्परेचर को थोड़ा मैं कम कर लेता हूँ। उसके बाद फोटो बहुत ही अच्छी लग रही है सिर्फ एक क्लिक में। आप लोग को उस प्रीसेट का लिंक मिल जाएगा Instagram पे, मुझे मैसेज कर देना। उसके बाद आप लोग को यहाँ जाना है सिलेक्टिव टूल वाला ऑप्शन पर, और यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर जाने के बाद एक ग्रेडियंट सेट करना है। उसके बाद यहाँ से एक्सपोजर इसका कम कर देना है, थोड़ा सा कम करना है, देन राइट क्लिक कर देना है, एंड फोटोज़ देख सकते हो पहले कुछ ऐसी थी
ऐसे हो गए। हालांकि बिना रीटच किए हुए भी फोटो बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि हम लोगों ने परफेक्ट बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था। और इस वीडियो में मेनली मैंने वही बताया था। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। सो फोटोज बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो कितनी अच्छी रिजल्ट है, कितनी अच्छी एडिट हुई है। आप लोग भी ऐसी एडिट कर सकते हो ऐसे ट्रिक को फॉलो करके। एंड फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी क्रिएटिव फोटोग्राफी क्रिएटिव एडिटिंग की ट्रिक्स आती रहती है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।